नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शांतनु और आप लोग देख रहे हैं आर्ट अवतार। दोस्तों आज मैं जवाहरलाल नेहरू का पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूं और इसको ड्राइंग कैसे करना है, शेडिंग कैसे करना है मैं पूरा बताऊंगा। पहले मैं आउटलाइन को बना देता हूं और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। आप लोग अगर स्किप करके देखते हैं वीडियो को तो आपको बहुत कुछ पता नहीं चलता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखो और मेरे हैंड्स को ऑब्जर्व करो, मैं कैसे ड्राइंग बना रहा हूँ, कैसे शेडिंग दे रहा हूँ। दोस्तों आप लोग ड्राइंग आँखों से भी शुरू कर सकते हैं, मैं जैसे आँखों से शुरू कर रहा हूँ, आप जिस कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है आप कहाँ से शुरू करेंगे। तो मैं पहले जल्दी जल्दी ड्राइंग को बना लेता हूँ। दोस्तों आउटलाइन कंप्लीट हो गया, अभी मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करूँगा शेडिंग के लिए। इस पेंसिल से आप डिटेल्ड वर्क ज़्यादा कर सकते हैं, आप लोग नॉर्मल पेंसिल से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है कि आपको शार्प करना पड़ता है बार बार पेंसिल को। तो आप लोग मैकेनिकल पेंसिल के यूज़ करके देख सकते हैं कैसा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों इसको ड्राइंग करने में मुझे लगभग 3 घंटे का टाइम लगा है। दोस्तों मेरे पास जो मैकेनिकल पेंसिल है उससे डार्कनेस बहुत ही कम होता है, इसलिए जहाँ पर डार्क पोर्शन है वहाँ पर मैं आउटलाइन का पेंसिल यूज़ करूँगा और हाईलाइट के लिए यूज़ करूँगा टॉम्बो मोनो इरेजर। दोस्तों मेरे हैंड्स को ऑब्जर्व करते रहो, मैं लाइट पोर्शन पे कैसे शेडिंग दे रहा हूँ और डार्क पोर्शन पे कैसे शेडिंग दे रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ड्राइंग करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों पीछे जो बैकग्राउंड है उसको मैं डार्क कर रहा हूँ क्योंकि फेस पर देख सकते हैं आप लोग बहुत ही लाइट शेडिंग है, इसलिए आप जब बैकग्राउंड को व्हाइट छोड़ देंगे तो शेडिंग दिखाई नहीं देगी अच्छे से, इसलिए मैं डार्क कर रहा हूँ। अभी आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा शेडिंग दिखाई दे रहा है। अभी मैं दूसरा आग भी बना लेता हूँ।
दोस्तों अभी मैं राइट साइड पर भी चारकोल पेंसिल का यूज़ करूँगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और नीचे कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।